Good morning, students. Today we are going to start another chapter and our first chapter of economics. Yeah, economics ka hamara pehla chapter rahega. Aaj chapter number second hum start kar rahe hain economics. That is people as resource. So in this chapter we will see about people. Hum log logo ke baare mein padhenge chapter. Jis chapter ka naam hai aapka people as resource. ओके पीपल आप जानते हैं हमारे दुनिया इंडिया की बात करें हमारे सोसाइटी की बात करें जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं उनको हम पीपल बोलते हैं ठीक है कैसे इंसान या हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन है कंट्री की कैसे बन जाती है रिसोर्स ओके देखिए हम लोगों ने क्लास 8th में चैप्टर कवर किया हुआ रिसोर्सेस जिसमें हम देखते हैं कि रिसोर्सेस आपके दो तरीके के होते हैं हमने पढ़े कुछ नेचुरल रिसोर्सेस और उसी चैप्टर हमने देखा था कि ह्यूमंस जो होते हैं ह्यूमंस या हम इंसानों को बात करें ह्यूमंस खुद भी एक तरह के रिसोर्सेस होते हैं कि इन नेचुरल रिसोर्सेस को निकालने का काम इनको प्रोसेस करने का काम तो ये इंसान ही करेगा तो इंसान की जिस हिसाब से क्वालिटी डेवलप होगी उतना ही क्या होगा कंट्री को फायदा होगा ठीक है तो इंसान यहाँ बात करें ह्यूमंस की दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसोर्सेस सो इस चैप्टर में भी अगर आप देखें तो इस चैप्टर में भी यही बात हो रही है ओवरव्यू आपका यही है चैप्टर में Okay, the chapter people resources is an effort to explain population as an asset. Okay, एक asset की तरह यानी ये पूंजी बोलते हैं इसको हम पूंजी की तरह काम करती है हमारी population rather than a liability. Liability का मतलब होता है आपका जिम्मेदारी और asset मतलब आपकी पूंजी है. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. So देखिए आप लोगों को भी कहीं ना कहीं शायद बात पता हो जिसको पता हो तो बढ़िया है इसको बात नहीं पता वो आप ये बात सुन लीजिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हमें क्यों कर रहे हैं सो देखिए होता क्या है एजुकेशन से यहाँ पढ़ाई करने से सो एजुकेशन से यहाँ पढ़ाई करने से क्या होता है आप हमारा जो आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है हमारे स्किल्स का डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं भले हमें जो है शायद नौकरियां ना मिलती हो पर कहीं ना कहीं एजुकेशन से हमारा बेटरमेंट ही होता है इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम सो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है आपके ठीक है वही आपका क्या है आपका ह्यूमन कैपिटल बनाता है पीपल एज अ सोर्स फॉरेन टू कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी सो एक कंट्री जिसके लोगों में जितना स्किल्स हो एबिलिटीज हो उतना ही उस कंट्री में क्या होता है रिसोर्सेज होता है ह्यूमन रिसोर्सेज लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इज एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ जीडीपी जितना वहां के लोगों के अंदर स्किल्स होंगे डेवलपमेंट उस कंट्री का ये तो सिंपल सी फैक्ट है जापान की तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली एजुकेटेड कंट्री है जापान सो आप देख अच्छे एजुकेटेड है तो वहां का जीडीपी यहाँ बोल सकते हैं वहां का डेवलपमेंट काफी हाई है भी जो है आपका जो एम्प्लॉय लिटरेसी रेट चल रहा है दैट इज स्टिल 70.0% अभी 2011 सेंसस जो इंडिया का है अकॉर्डिंगली दैट सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर मतलब तीन चीजों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा लगाते हैं एजुकेशन में लोगों की ट्रेनिंग में लोगों की मेडिकल केयर ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी हो भले इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो काम नहीं कर सकता एफिशिएंटली तो कहीं ना कहीं उसकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो किसी काम की नहीं रह जाती है आपकी ट्रेनिंग से क्या होता है और पॉलिशमेंट होती है आप उस चीज़ को पढ़ के चले गए हैं थ्योरेटिकली कि मान लीजिए हमने जो है बुक्स में पढ़ लिया कि एक मशीन में ऐसे लगती है ये नट लगते हैं ये टूल लगता है पर जब आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली आप करते देखते हैं तो वही चीज़ आपकी जो है और अच्छे से हो जाती है सो बोथ एजुकेशन ट्रेनिंग और मेडिकल केयर यानी हेल्थ केयर जो है आपके साथ अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फिर इस वाली बुक में देखिए खासियत क्या है एनसीईआरटी की आप एनसीईआरटी से अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की खासियत देखने को मिलेगी कि एनसीईआरटी में काफी सारी आप देख सकते हैं पिक्चर्स होती हैं हमारी सोसाइटीज से ही कुछ ली जाती हैं पिक्चर्स ओके हमारी इसमें पिक्चर डाली हुई कुछ आपको सोशल मैसेज ही दें ठीक है जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा एक लड़की कुछ बोल रही है यहाँ पर कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स ये पूछ रही है इट इज लाइक लैंड और लेबर जैसे लैंड और लेबर हमारे रिसोर्सेस हैं तो क्या ह्यूमन रिसोर्स भी कुछ इस तरीके का ही है
तो ये उनको बता रहा है कि नहीं इससे कुछ ज्यादा है। वॉट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपीज, पैसा और डॉलर? तो उन्होंने बोला कि नहीं ये भी उससे कुछ ज्यादा है। देखिए एक कंट्री के पास कितनी भी लैंड और लेबर क्यों नहीं हो, या कितना भी नेचुरल रिसोर्सेस क्यों ना हो, जब तक उसके ह्यूमंस में वो स्किल नहीं होगा उसको उसको सही तरीके से यूज करने का, वो रिसोर्स किसी काम का नहीं है। जब तक एक कंट्री के पास पैसा भी तभी होगा जब उसको पैसे कमाने वाले लोग होंगे, एफिशिएंटली वर्क करने वाले लोग होंगे। ओके सो बिना ह्यूमन कैपिटल के कंट्री जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकती, इसलिए बोल रहा है इट इज मोर देन दैट, इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव असेट्स। जो बात ये हो रही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है आपकी भी बन सकती है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा भी कर सकती है, क्योंकि देखिए एजुकेशन अच्छी लाना वो भी एक थोड़ा दिक्कत वाला है। आप देख सकते हैं इंडिया में अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसको हम पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। हाँ मैं सोच रहा हूँ उस पर भी एक बढ़िया सा वीडियो बनाया जाए। ओके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसे पुरानी हो चुकी है, मतलब टाइम हो गया उसको, साल के स्टार्टिंग स्टार्टिंग आई थी ये अप्रैल मई के आसपास। तो उसमें भी देखिए इन्फेसिस यही था कि कैसे तरीके से हम एजुकेशन इंडिया में अच्छा करें ताकि इंडिया के जो लोग हैं, आने वाली जो पीढ़ी है इंडिया की, उसमें डेवलपमेंट हो। फिर यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, आप चाहे तो स्टोरी आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से स्टोरी जाती है। दो फ्रेंड्स हैं विलास अकाल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। सकाल वॉज अ 12-year-old बॉय, मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, हिज फादर बुटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, तो जिनके फादर हैं एग्रीकल्चर में काम करते हैं अपने खुद खेत में। सकाल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, घर के कामों में सकाल उनकी हेल्प करता है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, हिज यंगर श्याम हैज पास्ड द मैट्रिकुलम एग्जामिनेशन बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, मतलब ग्रेजुएशन हो गया इनका, कोई जॉब वॉब नहीं है उसके अंकल की। बुटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल, दे फोर्स हिम टू ज्वाइन विलेज स्कूल व्हिच ही हैड सून ज्वाइन। ही स्टार्टेड स्टडीिंग एंड कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन, हिज फादर पर्सुएडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडीज। ही रेजेस अ लोन फॉर सकाल टू स्टडी वोकेशनल कोर्सेज इन कंप्यूटर। सकाल वॉज मेरिशियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए उसको मोटिवेट किया, पढ़ाई लिखाई में अच्छा भी था सकाल। विद ग्रेट वाइगर एंथुसियाज्म कंप्लीटेड हिज कोर्स, आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। ही इवन डिजाइन्ड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड अवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। तो देखिए क्या हुआ, उसने जो है पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करके उसका जो है उसमें डेवलपमेंट आया, स्किल्स डेवलपमेंट हुई, डेवलप ऐसी स्किल करी उसने, उसने एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ उसकी कंपनी जिसमें काम करता था उसको जो है प्रॉफिट हुआ। कहीं ना कहीं अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी फायदा होगा कहीं ना कहीं। ओके तो देखिए आप देख सकते हैं ये एग्जांपल दिया गया कि पढ़ाई लिखाई करके फायदा होता है। ओके कोई नुकसान नहीं है पढ़ने में। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हायर हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी गेन्स ऑल्सो इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू डोज हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से आपको ही फायदा होता है, आपके आसपास सोसाइटी जो होती है उसको भी फायदा होता है। अगर इंडिया में सारे लोग पढ़े लिखे हों सबको पता होगा फिर ये कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता, तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो दंगे फसाद होते हैं वो भी खत्म होंगे, दंगे में मरने वाले लोग भी खत्म होंगे। और अगर दुनिया में पूरे लोग एजुकेटेड हो जाए तो सबको समझ में आ जाएगा कि लड़ाई वड़ाई कोई मतलब नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका मिलिट्री का, आपका जो कॉन्सेप्ट है हथियारों का, कहीं ना कहीं ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके देखिए इंडिया गवर्नमेंट आज कहीं लाख करोड़ रुपए लगाती है मिलिट्री पे, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे, अगर वही पैसा वो लगाए एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे कितना बढ़िया हो जाए इंडिया भी हमारा। चलिए आगे देखते हैं इसको, ही बढ़िया फोटी एक और ये दी गई स्टोरी, स्टोरी अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये स्टोरी में भी यही बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग से सब कुछ होता है, इसको हम आगे भी देखेंगे इसी चैप्टर में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम आते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम आपको पहले ही बता चुका हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये वर्ड जहाँ भी यूज होगा इकोनॉमिक, ओके इट इज रिलेटेड टू मनी, ठीक है मनी की बात की जा रही है। सो देखिए मनी कमाने के लिए जो है कोई हर कोई जो है कुछ ना कुछ काम करता है और इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारी सोसाइटीज है, आपको पता होगा दैट आवर सोसाइटी इज स्टिल पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है मेल डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में हमारे आज भी। सो हमारी सोसाइटी में जो काम जो थोड़े इंपॉर्टेंट नेचर के माने जाते हैं वो ज़्यादातर काम आज भी जो है मेल ही करते हैं, मेन्स ही करते हैं, और वुमेन्स को जो है साइड वर्क जैसे कि होम वर्क, होम घर का काम,
और ज़्यादातर जो सोसाइटी में वही दिया जाता था पहले, आजकल थोड़ा बराबरी ज़रूर हो चुकी है, बट स्टिल अलॉट हैज़ टू बी अचीव्ड इन गेटिंग इक्वालिटी। सो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक विकार विलास एंड सकार पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, वी सॉ विलास, थोड़ी देर ऊपर स्टोरी दी हुई थी, विलास सोल्ड फिश एंड सकार गॉट जॉब इन द फर्म। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड टू थ्री मेन सेक्टर, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये लोग जो है बार बार पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं आपकी, आपकी पहली है प्राइमरी, सेकेंड है आपकी सेकेंडरी और थर्ड है आपकी टर्शरी। ओके, देखिए आपको फटाफट मतलब क्या है, ये हम लोगों ने वैसे एट क्लास में भी कवर किया हुआ ये टॉपिक। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी। ओके, इसको समझने के लिए फटाफट हम एक स्टोरी देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका आप आपका आपका आपके आसपास जो है खेत है, आप खेत में जो है वीट उगाते हैं। ठीक है, ये वीट आपने उगाई, ठीक है, आपके यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट वाला आया कि भैया आपकी वीट जो है मैं बेच के आऊँगा। ओके, आई विल सोल्ड योर वीट इन टू द मार्केट। सो आपने क्या किया, अपना वीट जो है उस गाड़ी में दे दिया ट्रांसपोर्ट के लिए कि ठीक है भैया आप ले जाइए। ओके, इस ट्रांसपोर्ट वाले भैया ने क्या किया, ये इस वीट को लेके गए कहाँ पर, इन्होंने एक इंडस्ट्री में ले गए, ओके, एक फैक्ट्री में ले गए जहाँ पे बन रही थी ब्रेड। ठीक है, और उन लोगों को जाके वीट बेच दिया और बोल दिया कि ठीक है भैया जितना भी पैसा बनता है वीट का आप दे दीजिए मुझे, मैं इस वीट वाले को दे दूंगा, जितना भी मेरा बनेगा ट्रांसपोर्ट का मैं रख लूंगा। ओके, आपको जब अगली बार वीट चाहिए होगा मैं अगली बार ला दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे हमें वीट चाहिए ब्रेड बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वीट लिया, इससे बना दिया। बाद में ब्रेड को जो है ये लोग वापस से बोला कि ठीक है भैया तुम ही गाड़ी वाली आई है, आप ही हमारा जो है ब्रेड भी ले जाएं और जाके मार्केट तक। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पर जो वीट है ये नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि लैंड उसका यूज कर रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके इन्होंने क्या बनाया, रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल है, वीट इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। फिर इसने क्या किया, इसने प्रोवाइड करवाई ट्रांसपोर्ट ने, इनका सामान यहाँ ले गया, इसका सामान मार्केट तक ले गया, और इन्होंने क्या किया, इस रॉ मटेरियल को लेके क्या बनाया, फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो जो इंसान रॉ मटेरियल बनाने में काम करता है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वो वर्क कर रहा है आपका प्राइमरी सेक्टर में। जो इंसान प्राइम रॉ मटेरियल से बना रहा है फिनिश गुड, वो काम कर रहा है आपका सेकेंडरी सेक्टर में, और जो ये मिडल मैन है सर्विस प्रोवाइडर, इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी सेक्टर। सिंपल सी बात ही है, आगे देखते हैं इसको हम। कोई बुरी बात लिखी गई है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब चीज़ों में कहीं इंसान अपना जो है पैसा ही कमाने के लिए करता है सब कुछ, सारी सारी है। मार्केट एक्टिविटीज वन टू वन हु परफॉर्म्स, दैट इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म और फॉर पे और प्रॉफिट। तो जो भी आप काम करते हैं, या तो वो आपने पे के लिए कर रहे हैं सैलरी के लिए, या प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे, मैन और वुमेन की हम लोगों ने बात करी, तो मैन और वुमेन पे जो है आपको यहाँ पर एक और फिर से एक्टिविटी दी हुई है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, जैसा कि हम बात पहले भी कर रहे थे कि वुमेन्स को ज़्यादातर जो काम दिया जाता है वो डोमेस्टिक काम, घर का काम ज़्यादा देना पसंद करते हैं, एंड मैन वर्क इन द फील्ड, और फील्ड में काम जो मैन करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये इमेज बनी हुई थी पहले कि जितने भी थोड़े ताकत वाले काम है जिसमें फोर्स लगती है वो काम मैन को दिए जाए। ओके, मेहनत वाले काम जैसे कि आपके फील्ड में जाके आपको जो है फावड़ा लेना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम वुमेन नहीं कर सकती, बस ये मान्यता थी सोसाइटी में कि ये काम बेटर होगा मैन को ही दिया जाए। और जितना भी केयर वाले काम होते हैं, थोड़ा इमोशन वाले काम होते हैं, जैसे फैमिली को पालना, बच्चों को बड़ा करना, ओके, सो ये सब काम जो है आपके ये वुमेन्स को दिए जाते थे। सकाल मदर शीला कॉक्सफोर्ड, ये बार बार जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं शीला, जो भी इन्होंने जो स्टोरीज दी हुई है ऊपर। ओके, स्टोरीज को हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग जो मेन मेन चीज है वो पढ़ेंगे चैप्टर, मतलब समझेंगे उन चीज़ों का हम लोग देखते हैं इसको। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर हिम। तो हमारे हम सबके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, एजुकेशन से क्या होता है, हम कुछ भी काम जब करने जाते हैं तो उसको और बेटर तरीके से ही करते हैं। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो पढ़ा हो आप कहीं ना कहीं जाके अप्लाई करें,
बट आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि पढ़ने लिखने से आपका जो एक कैरेक्टर फॉर्मेशन भी होता है कहीं ना कहीं। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अ मेजोरिटी ऑफ द वुमेन हैव मियर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमेन्स आर पेड लो एज कम्पेयर टू मैन। देखिए ये भी काफ़ी दिक्कत है सोसाइटी की कि वुमेन को जो है मैन के साथ काम करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे लॉ लेकर आई। ठीक है, जैसे हमने गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्वेशन करा सीट्स का। ठीक है, कि कुछ काम जो है से वुमेन्स को दिए जाए, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए वुमेन्स को। ठीक है, कई सारी जो पॉलिटिकल सीट्स थी यानी कि कई सारे इलेक्शन में जो सीट्स थी वो भी रिजर्व की गई वुमेन्स के लिए। बट उसके बाद भी क्या हुआ, आपको मैं चीज़ बताऊँ, अपने अपने आसपास शायद तो देखी भी हो कि मान लीजिए एक सीट थी, मान लीजिए MLA विधायक की सीट थी। ठीक है, इस पे ये रिजर्व सीट थी सिर्फ वुमेन के लिए कि इस पे जो भी खड़ा होगा जीतेगा फिर वुमेन ही होना चाहिए। सो इसमें होता क्या है, मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने वाइफ्स को खड़ा कर देते हैं उस सीट के लिए। ओके, वाइफ्स क्या करती हैं, उनके अल्टीमेटली जीतती वाइफ ही है, पर अल्टीमेटली पावर जो है किसको जाती है, उनके हस्बैंड्स को चली जाती है। ठीक है, सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वुमेन का इसमें कोई भी जो है अपर लिफ्टमेंट नहीं हुआ, अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, कोई फायदा तो मिला ही नहीं वुमेन को। ठीक है, अपने रिजर्वेशन कर दी सीट, इनडायरेक्टली जो है इसका हस्बैंड ही जाके बैठेगा, वही काम करेगा, वही डिसीजन लेगा, ये रिजर्वेशन का काम कोई मतलब में नहीं रहा। ओके, इसलिए गवर्नमेंट चाहते हुए भी कई सारे काम जो है नहीं कर पा रही है फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड मैन। वुमेन जो है आज भी सिर्फ वही घर के काम में ही ज्यादा मानी जाती हैं। मोस्ट वुमेन देखिए घर के काम में भी अगर कोई आप उसकी जगह किसी और से करवाएंगे उसको आप सैलरी पे करेंगे, बट क्योंकि हम अपनी मदर को कोई एक सैलरी नहीं देते, उसको हम इकोनॉमिक टर्म में नहीं काउंट करते। ठीक है, देखिए आपकी जो मदर जो भी काम करती है उसके लिए आप उसको सैलरी तो नहीं देते। ओके, बट आपके फादर जो भी काम करके आते हैं बाहर, ही गेट अ पर्टिकुलर सैलरी, तो आप जो है उसको नाप सकते हैं। ओके, एक इकोनॉमिक एक मॉनेटरी टर्म्स में अगर उनको सैलरी मिलती है तो आप मान सकते हैं कि यस माई फादर इज अर्निंग समथिंग। ठीक है, बट वर्क तो मदर्स भी करती हैं, पर उनको जो हम लोग कोई मनी नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उनकी कदर भी नहीं करते कई बार जो भी करनी चाहिए। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। वुमेन्स ने जो है वे कहीं ना कहीं वर्क करना स्टार्ट भी किया, बट वुमेन्स ने जब वर्क करना स्टार्ट किया तो उनको जो इक्वल वेजेस नहीं मिलती थी मेन्स के जैसी, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी वुमेन्स के साथ, जैसे कि मेन्स को जो है लेट नाइट वर्क करना पड़ता था, तो वुमेन्स को जो है कई बार इसमें दिक्कत जाती है इन चीज़ों में। वेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाई रेगुलेशन एंड लो इनकम। इन दिस सेक्टर देयर इज एबसेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटर्निटी लीव। फिर देखिए एक जो है आपका रिप्रोडक्शन वाला भी काम आता है वुमेन्स के साथ। ठीक है, उनकी जब व्हेन दे आर प्रेगनेंसी जब उनकी आती है तो थोड़ा सा उनका जो है हेल्थ केयर ज़्यादा बढ़ जाती है, सो मैटर्निटी लीव जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद भी जो है चाइल्ड केयर, ठीक है, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वुमेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए कई सारे बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स पहले बोलते थे कि हम जो सिर्फ रिप्रोड्यूस करना ही है। ओके, कर एक समय ऐसा आता ही है वुमेन्स के लिए जब उन्हें जो है नहीं पाती। हम ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिकल, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए दो तरीके सेक्टर होते हैं आपके, एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज होता है, आप कोई ऑर्गेनाइज वर्क नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स काम वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आप करेंगे, आप करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, और एक होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं कि आपके फिक्स्ड टर्म है कि आपको सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करना है, फिक्स सैलरी है, जितना भी आप काम कर लें मिलेगा आपको, मान लीजिए 50,000 1 लाख की। ओके, तो ये और इसमें आपको जो फायदे फायदे भी मिलते हैं, जो नुकसान होगा तो भी आप नहीं झेलेंगे, कंपनी झेलेगी। ठीक है, तो ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और आपका ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वुमेन्स को ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो मिलती हैं काम करने की वो है आपकी मेडिसिन। ठीक है, डॉक्टर ज़्यादातर वुमेन प्रेफर टू बी अ डॉक्टर और नर्स, आपने देखा भी होगा ज़्यादातर नर्स का मतलब तो हो गया है बिल्कुल वुमेन ही होगी। ओके, नर्स जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ भैया जो है एक वुमेन ही होगी, जबकि नर्स की जगह बहुत सारे हम लोग जो है मेल भी देखते हैं। पॉपुलेशन आगे बढ़ते हैं, चाहे जहाँ हमने बिल्कुल बात कर ली एजुकेशन के ऊपर, काफी बात कर चुके हैं हम लोग कि एजुकेशन जितना एजुकेटेड कुछ वो हैं आपके, आप देख सकते हैं डाटा। ठीक है, आप देख लीजिए साल दर साल जो है आपके वुमेन्स
की पॉपुलेशन और वुमेंस की जो लिटरेसी है वो कम रही है एज़ कम्पेयर टू मेल। अभी भी वुमेन लिटरेसी इंडिया में जो है वो 60% के आसपास ही है। हाईएस्ट वुमेन लिटरेसी जो है 96% इट इज़ इन केरला। चीज में और क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए? नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए अच्छे से, दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पे ध्यान क्योंकि कुछ अच्छी है पर आपकी पॉपुलेशन काम जो है 50 साल की उम्र के बाद वो काम ही नहीं कर पाते। ओके, तो उनसे आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, उतना आपकी जो कंट्री वो डेवलप। अभी कई सारे एग्जांपल्स रहे हैं, जैसे जापान में जो है अब काफ़ी हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं। जापान की काफ़ी अच्छी स्किल्ड पॉपुलेशन है, काफ़ी एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है, बट हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स उनकी धीरे धीरे आना कहीं शुरुआत हुई है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज ओल्ड पॉपुलेशन हो गई है वहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन का भी क्या होता है, आपका एक ग्राफ होता है, पहले हर कंट्री में जो है यंग पॉपुलेशन काफ़ी हाई होती है, ऐसा कोई ग्राफ होता है, ठीक है, फिर कंट्री में धीरे धीरे यंग पॉपुलेशन कम हो जाती है और ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो इंडिया जो है आपकी अभी सबसे बढ़िया कंडीशन में है अगर उस हिसाब से देखा जाए, बिकॉज इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर पॉपुलेशन इन एनी कंट्री में, पॉपुलेशन ज़्यादा ओल्ड स्टिल मोर देन इंडिया। सो इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं में ताकि आपकी जो इतनी सारी पॉपुलेशन है जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाती है, देखिए एजुकेशन सारे इंडिया में हम जानते हैं, ओके, हम लोग मैंने अभी भी कहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पा रहे उतना कोप अप। अगर स्टेट से बात कर लें, अगर हम हमारे स्टेट्स को दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस निकल के आता है। दूसरी कंट्रीज से तो हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो हम कर ही नहीं सकते। चलिए प्रॉब्लम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड अबिलिटी टू फाइट इलनेस। एक आदमी है तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और हेल्थ इसलिए हेल्थ जो है कंट्री की प्रायोरिटी देती है टू एम टू एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर पे रहती है हमेशा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है आपकी वो हमेशा ध्यान रखती है चीजों को। टू एम एट इम्प्रूविंग फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। पुअर पॉपुलेशन है जबकि वुमेन्स जिनको मिल पाता है एट द टाइम ऑफ और द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर इन गवर्नमेंट एज वेल इन द प्राइवेट सेक्टर। देखिए एक डेवलपमेंट कर लिया हेल्थ केयर सिस्टम। अभी हम लोग कोरोना वायरस के भी हम लोगों ने देखा केसेस में काफ़ी डेवलप हो चुका था हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, और इसको जो दिक्कत गई तो कहीं ना कहीं यार सिस्टम बस अभी भी बहुत कुछ अप्रूव अचीव करना बाकी है। फिर आगे जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो चुका है इंडिया में आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अचीवमेंट जो है अपना मान ले, ठीक है, एजुकेशन अच्छी करी, लोगों की स्किल्स डेवलप हो गई, लोग जो है अब काम करने को तैयार है, उनको पता है क्या है, लोगों की हेल्थ केयर भी अच्छी हो गई, गवर्नमेंट ने काम किए, घर घर जाके टीके भी लगाए, बहुत काम किया गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पर भी, ठीक है, तो उनकी जो पॉपुलेशन का जो लेवल था जो स्किल्स सेट था वो तो काफी अच्छा डेवलप हो गया। अब जब भी पॉपुलेशन गई कि ठीक है नाउ गिव मी वर्क, अब मुझे काम दीजिए, आपके लिए कमा के दिखाऊंगा, सो कंट नहीं, ठीक है, काम तो नहीं है, बिकॉज काम करने के हमारे पास मान लीजिए 200 सीटें, इतनी कंपनियां हैं नहीं हमारे इंडिया में, इतना गवर्नमेंट के पास भी काम नहीं है, 200 सीट्स हैं। अब यहाँ पे स्किल डेवलप करके हेल्थ केयर अच्छी लेके 1,000 लोग बैठ गए, ओके, अब 1,000 में से आपको चाहिए 200, तो 800 जो है वो क्या हो गए, वो हो गए अनएम्प्लॉयड, ओके।
अब ये लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि कंट्री कहीं ना कहीं जो है फिर लैग कर जाएगी। अच्छी एजुकेशन सिस्टम, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम से भी कुछ नहीं होता जब तक आप लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड नहीं करिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आपके एडम स्मिथ, वो ये बोलते थे कि एक कंट्री को जो है हर इंसान को कुछ ना कुछ काम देना चाहिए अगर उसमें स्किल्स हैं तो, भले ही वो काम गड्ढा खोद कर से फिर भरना ही क्यों ना हो। ओके, इस काम में कहीं ना कहीं इंडिया में जो है बहुत अभी भी हम देख सकते हैं इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, इन दोनों से यस वी एम्प्लॉयमेंट भी जो है आपकी अब दो मेन तरीके की होती है आपकी, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऐसे तो कई सारे तरीके की होती है जो है, एक होती है आपकी सीजनल। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है आपकी आजकल देखने को मिलती है आपको रूरल एरियाज में। वहाँ पे क्या होता है, खेती बाड़ी जो एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, मान लीजिए आप वीट उगा रहे हैं। ओके, वीट जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो ग्रो करेगा। आपने वीट उगा लिया, आपने 4 महीने तो काम कर लिया वीट वीट बेच के, फिर आप जो है बच्चे को जो मान लीजिए 8 महीने आपके पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको आप बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक पर्टिकुलर सीजन में किया, बाकी सीजन आप क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए। ये भी एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है वहीं पे होती है। मान लीजिए आपका एक लैंड है, ओके, और उस लैंड पे जो काम करने के लिए 2 पीपल आर सफिशियंट। ओके, दो लोगों का ही काम करना बहुत नहीं चाहिए, और दो लोग ही वो काम कर रही है, ठीक है, जरूरत है 2 लोगों की, काम 10 लोग, तो जो 8 लोग हैं आपके हम बोलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज मतलब ये दिखती तो नहीं है, दिखने में तो लग रहा है कि 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, बड़े 8 लोग जो है वे फालतू ही लगे हुए हैं, चाहे तो कहीं और भी कर सकते हैं क्योंकि जरूरत सिर्फ 2 की थी। और भी आपकी कई तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक होती है आपकी जो हम खुद चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही, मेरे पास पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरे पास हेल्थ भी है, पैसा पहले से ही है। ओके, सो देयर आर अदर डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट से कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को बहुत असर पड़ता है और एक कंट्री को भी काफी असर पड़ता है। जो लोग उसकी इतनी अच्छी पॉपुलेशन है, इसका फायदा कहीं ना या तो वो अनयूटिलाइज ही रह जाता है। है कि बहुत सारे इंडियंस इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, सो वो बाहर चली गई। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल पढ़ लिया बेयर सब्सटेंशियल स्कूल सिस्टम। अब देखिए, ओके, अब आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, मान लीजिए पढ़ा लिखे बेचारा इंसान आ रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, अब वो क्या करेगा, मान लीजिए उसके बच्चे हुए, किस चिल्ड्रंस हुए, अब पैसा तो है ही नहीं उसके पास क्योंकि उसका तो करवा पाएगा, हेल्थ केयर करवा पाएगा बैठे बैठे। तो बच्चे ने एजुकेशन थोड़ी बहुत ले ली, हेल्थ केयर भी अच्छी हो गई, अब वो फिर लेने गया नहीं, ठीक है, फिर मतलब पैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, फिर पैसा नहीं कमा पाया, तो ये है कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर भी अच्छा। तो ये पूरी है, तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छा लेके चलना पड़ेगा इफ वी रियली वॉन्ट टू डेवलप एंड इंडिया, इफ इंडिया वॉन्ट टू बिकम अ डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन सॉरी। डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, ओवरऑल ग्रोथ पे सब काफी असर पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। हमने देखा कैसे इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी होती है आपकी, लोग जो आगे का कोई काम नहीं मिल पा रहा। इट ऑल्सो वीक क्या होता है, एक तरीके अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ये भी होती है कि मान लीजिए उसका जो था काम का 1,000 रुपए, ओके, बट ड्यू टू कंपटीशन उसे सिर्फ 500 रुपए मिले, तो ये भी एक तरह की क्या होती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है। स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, देखिए स्टैटिस्टिकली तो वो है पर वैसे काफी हाई है अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है आपका वो हाई फाई है। एग्रीकल्चर 50% लोग आज भी जो है अपना
डेली वर्क एग्रीकल्चर से ही करते हैं, डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर ही है। दे अप टू द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम दैट इज नॉट द वर्क दैट दे आर पर्सूइंग में, देयरफॉर होता है वर्क उनकी चॉइस का नहीं होता है, ठीक है, मजबूरी में काम उन्हें करना पड़ता है। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन बेस सब्सिस्टेंस लेवल, सब्सिस्टेंस लेवल से अपना जो है रोजगार चला पाए, जो बेसिक नीड्स होती है उनकी फूड क्लॉथिंग और शेल्टर से वही पूरी हो पाती है कई बार। द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग। इन केस ऑफ टर्शियरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बैंक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर तो जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें तो देखिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा जो है, अब वो थोड़ा डेवलपमेंट की राह पर है, कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारी नई नई चीजें क्या जो इंटरनेट या भी लोग या तो अच्छे जा डिपेंडेंस लोगों का कम होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो आपका एग्रीकल्चर होता है वो इस तरीके का काफी वो मतलब इतना खास एग्रीकल्चर बेकार हो गई तो फिर आप गरीब हो गए, अच्छी हो गई तो कोई बात नहीं, बेकार होने के चांस ज्यादा होते हैं वैसे तो। ओके आप यूएसए में देखें 60% पॉपुलेशन वर्किंग अंडर सेकेंडरी सेक्टर, आप अभी इंडिया में जो है धीरे धीरे 40 के आसपास पहुंच चुका है वैसे तो प्राइमरी, बिकॉज टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड वेरी फास्ट और दी हुई है। मतलब यू हैव सीन सम इम्प्रूव्स लाइक एजुकेशन मेकिंग पीपल एंड असेट फॉर द इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन जो है लोगों की स्किल्स डेवलप करते हैं और लोगों को जो है असेट बना इकोनॉमी में। तो आल्सो डिस्कस अबाउट हमें वी हैव सीन सॉरी देन वी हैव आल्सो स्टडीड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वाई इट इज अ कंपल्सरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। फाइनल चैप्टर एंड्स विद द स्टोरी ऑफ अ विलेज वेयर फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर हैड फ्रेंड्स, स्टोरी दी होगी आपको शायद किसी विलेज के ऊपर, विलेज में जो है गवर्नमेंट ने कुछ वर्क लोगों को प्रोवाइड करवाया, आपका अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी तो एजुकेशन पे और हेल्थ पे कम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा, आपको बुक से जो स्टोरीज आप कि हम आप तो जो चेरी ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर इतने कवर कर सकते हैं, तो ये आपके फिर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे टू यू। सो लेट अस मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, रहेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, सो द लास्ट, थैंक यू, कीप